नमस्कार। हफ्ताबारी COVID-19 अपडेट दे विच समूह जिला वासियों का स्वागत है। आप सारे नु पता है कि इस वेले गुरदासपुर विच सर्दी बहुत ज्यादा हो गई है। सेहत दे माहिर एक सलाह दे रहे ने कि ज्यादा ठंड दे विच COVID-19 का दुष्प्रभाव बढ़ जाता है। आने वाला एक महीना ठंड का होगा और ये विच कोविड दे दुष्प्रभाव बढ़न का बहुत ज्यादा खतरा है। जिथे असी इस वेले पूरी तैयारी च लगे हुए हैं कि COVID-19 की वैक्सीन जिड़ी कि बहुत ही सानू आस है कि जनवरी के पहले हफ्ते गुरदासपुर पहुंच जाएगी, ये चंगी खबर है। पहले पड़ाव दे विच असी लगभग 12,000 सेहत कर्मियों नू ये वैक्सीन की डोज देंगे। उस तो बाद आने वाले 2-3 हफ्तों के बीच जिहड़े साढ़े फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिहड़े लोग हाई रिस्क ने, उन्हां नूं भी वैक्सीन देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सो हुण COVID-19 की महामारी का अंत होने वाला है। विज्ञान ने इस बीमारी की वैक्सीन लगभग तैयार कर ली है। भारत सरकार द्वारा कई प्रकार दी वैक्सीन की मंजूरी आखिरी पड़ाव दे विच है। पंजाब सरकार, जिला प्रशासन गुरदासपुर फुली गेयर्ड अप है कि जदों ही वैक्सीन प्राप्त हुंदी है तुरंत वैक्सीन उलीके गए प्रोग्राम दे अनुसार अपने नागरिकां नूं लगानी शुरू करे। परंतु वैक्सीन लगने के बाद भी एंटीबॉडीज डिवेलप होने के लिए समय लगता है। हर वैक्सीन की अपनी अपनी समय सीमा है, इसलिए अजे भी ये बहुत ज्यादा एहतियात बरतन की लोड़ है। मैं पहला बेनती की है कि ठंड का मौसम बहुत हो चुका है और ठंड के विच कोविड की फैलन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और कल मैं खदशा नहीं जाहिर कर रहा, कुछ अंकड़े ने जिड़े कि इस गल दर्शाते ने कि एक गल बिल्कुल सही है। जिमें पिछले असी 2 महीने तो देख रहे थे कि गुरदासपुर विखे कोविड के पेशेंट बहुत ज्यादा घट गए थे, मौतां भी हफ्ते के विच एक या दो ही हो रही थी। पर दुख वाली गल है कि कल एक दिन के विच दो मौतां हुई। सो जिहड़े लोग समझते हैं कि कोविड कुछ नहीं है, वो जाके इन्हां लोगों के परिवारों को मिलन, पता लगेगा कि जदों घर का कोई प्यारा सगा संबंधी अकाल चलाना कर जाता है, वह भी कोविड करके समय तो पहला, तो उसका कितना दुख होता है। जिन्हें भी कोविड करके मौत हुई ने, जिहड़े लोग साढ़े इस करके अकाल चलाना कर गए, मैं सारे परिवारों के नाल सहानुभूति प्रकट करदा, उन्होंने दुख च असीं शरीक हाँ। पर मैं बाकी जिला वासियों को अपील करदा कि असीं आओ एक जिम्मेवारी नागरिक होने के नाते इन्हां मुश्किलों तो बचिए। कितें ये ना होवे जिथे असीं पूरा 8-9 महीने तो एक टीम वर्क के तौर पर काम करके कोविड नूं गुरदासपुर के विच कंट्रोल करन च काफ़ी हद तक समर्थ रहे। हुण आखिरी पलां दे विच आके असीं अपना कंट्रोल लूज ना कर लईए। मैं अपील करदा कि असीं सारे मास्क पाइए, 6 फुट का फासला रखिए। हुण सर्दी का मौसम है, हर एक बंदे का दिल करदा है कि कमरे की खिड़कियां बंद कर दईए ताकि ठंड ना आवे। मैं हाथ जोड़ के बेनती करदा, खास तौर पर जिहड़े लोग दुकानां जां दफ्तरां च काम करदे ने, कि खिड़कियां अपनियां खुल्लियां रखो, वेंटीलेशन रखो,
किसी भी कमरे च 10 तो बाद बंदे इकट्ठा ना करो, हैंड हाइजीन का ध्यान रखो। मेरा अपना निजी एक्सपीरियंस ये कहता है कि जेकर असी मास्क लगा के रखते हैं और अपने हाथों नू दिन घट्टो घट्ट 6 बारी सैनिटाइज करते हैं, चाहे साबन ना हाथ धो के जां सैनिटाइजर के नाल, तां कोविड दे फैलन का खतरा काफ़ी घट जाता है। तो जेकर कोई कोविड वर्गे लक्षण पैदा होंदे ने तां तुरंत अपना कोविड का टैसट कराओ। टैसट बिल्कुल मुफ्त है। असी टैसटिंग कपैसिटी अपनी इस वेले तकरीबन 2000 सैंपल पर डे कर रहे हैं। कल ही मैं सिविल सर्जन साहब नूं लिखती आदेश दिते ने कि यह टैसटिंग 4000 सैंपल पर डे की जाए, पर तदे संभव होएगा जेकर बहुत सारे नागरिक टैसट कराने लिए अगे आएंगे। जिन्हें समाज सेवी संस्थावां ने, साड़ी कम्यूनिटी के लीडर्स ने, मन्ने परमन्ने नागरिक ने, जिन्हें लोग गल मनते हैं, उन्होंने मैं हथ मन के बेनती करदा कि जिथे थोड़ा प्रभाव है उत्थे उत्थे इस गल का प्रचार करो कि जेकर कोविड वर्गे सिमटम आते हैं जब उन्होंने आस पास किसी को कोविड हो जाता है तो तुरंत अपनी जांच करवाओ, तो मास्क पाओ, सोशल डिस्टेंसिंग रखन, कमरे के भीड़ ना की जाए और कमरे च वेंटिलेशन रखी जाए। जेकर आप आंकड़िया की गल करिए तो हूँ तक असी गुरदासपुर के 2,40,363 सैंपल लै चुके हैं। साड़ी टेस्टिंग पर मिलियन रिकॉर्ड है 1,41,390 है। साड़ी कंटैक्ट टू केस रेशो, जिन्हों से कंटैक्ट ट्रेसिंग कह रहे हैं, यह 15 तो उपर चल रही है, पूरे भारत की एवरेज साड़ी वध चल रही है। और हुण साड़े कोल इस वेले 2 पेशेंट जिला हॉस्पिटल गुरदासपुर एडमिट ने, 39 पेशेंट गुरदासपुर नूं बिलोंग करते हैं पर बाकी जिले में रहिंदे ने, उत्थे ही वो टेस्ट हुए ने, उत्थे एडमिटेड ने भिन्न भिन्न हस्पतालों। 108 पेशेंट घर आइसोलेटेड ने और दुख वाली गल है कि 241 मौत हो चुकी हैं। मौतों का ज्यादा होना दर्शाता है कि लोग टेस्ट नहीं करा रहे, आखिरी समय का वेट करते रहते हैं, तो जदों हालत बिगड़ जाती है उदों हॉस्पिटल जाते हैं, उदों बचाव मुश्किल हो जाता है। मैं पिछले भी कई बुलेटिन दे विच ये बेनती की थी कि भावें अजे कोविड की कोई दवाई नहीं है, परंतु जे कोविड का छेती पता लग जाए तो कोविड नूं मैनेज करन दे लई हुण डॉक्टर्स कोले काफ़ी जानकारी है। कई प्रकार दीआं मैडिसिनस ने जिन्हों दे के जेकर स्टेज बनते है तो उन्हें छेती मैनेज कर लेंगे, पर तदे संभव होगा कि जेकर असी कोविड नूं सीरीयसली लवेंगे। इस बुलेटिन के राही मैं साडे RMP डॉक्टर्स, पिंडां च बैठे हैल्थ छोटे छोटे दुकाना खोल के बैठे ने, साडे कैमिस्ट भरा, इन्हां नूं मैं जरूर बेनती करांगा कि तुहाडे कोल जे कोई पेशेंट खांसी जुकाम गला खराब बुखार की दवाई लैन आउंदा है तुसीं उहनूं जरूर कोविड का टैसट कराने लई प्रेरित करो। जिहड़े हॉस्पिटल ने छोटे हॉस्पिटल भी भावें हैगे हैं, असीं उहनां नूं कोविड दीआं टैसटिंग किटां फ्री च देण नूं तैयार हाँ। जेकर टैसट अपने हॉस्पिटल करना चाहते हैं वो उत्थे भी कर सकते हैं, हेल्थ विभाग के प्रोटोकॉल इस गल नूं अलाउ करते हैं। आओ हुण असीं कोविड महामारी से फतेह हासिल करने वाले ही हाँ, हुण असीं छेती तो छेती इस गल की तैयारी करिए कि जदों वैक्सीन आएगी असीं इहदी मास वैक्सीनेशन करके इस बीमारी नूं खत्म करिए, पर जदों तक नहीं आती है तो सानूं अपनी जिहड़ी प्रिकॉशनज ने वह नहीं छड्डनियां चाहीदियां, तां जो असीं अपना ते अपने परिवार का, अपने गुआंढियां का, अपने शहर का, अपने पिंड का, अपने जिले का, अपने राज का, अपने देश का, पूरे विश्व का रक्षा कर सके। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।